अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं, तो उसकी एक झटपट सी रेसिपी। तो हम बना रहे हैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और यहाँ पर जिस ग्लास में मुझे सर्व करना है वहाँ मैंने कुछ पीसेस को काट कर इस तरह से लगा दिए हैं ग्लास में, क्योंकि जब हम इसमें स्ट्रॉबेरी पोर करेंगे तो बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा बाहर की तरफ। और यहाँ है 1 मग जो है बड़ा वाला मग मिल्क का, मतलब 250 ml, और 2-3 चम्मच हम इसमें क्रीम के डालेंगे। यहाँ मैंने हलीब की क्रीम ली है, और 2 tablespoons इसमें जाएगा ड्राई मिल्क पाउडर, और 1 cup भर के या 250 ग्राम जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, बिल्कुल भी खट्टे नहीं हैं, बहुत मीठे मीठे हैं। और 1/4 tablespoon यहाँ जाएगी शुगर, और जितना पानी आप डालना चाहें एज़ योर चॉइस। आप इसमें आइस भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा बर्फ़ दूध जो है वो उबाल के मैंने ठंडा किया हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था, और वो बहुत ठंडा है, बर्फ़ वाला है, इसलिए मैं इसमें आइस क्यूब्स नहीं डाल रही। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉबेरीज ना प्यारा कलर, और इसको हमने डाल दिया है अपने जूसर मशीन में, ब्लेंडर में, और उसके अंदर हमने डाल दी है दूध, देखें बर्फ़ का पूरा इकट्ठा है उसके अंदर, और ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है 1-2 tablespoons जो है मैंने इसमें क्रीम डाल दी है, और 1 mug जितना हमने दूध डाला था उतना ही हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 tablespoons ऑफ शुगर। आप पानी जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, कुछ लोग इसको डायरेक्ट दूध से बनाते हैं लेकिन वो थोड़ा हैवी लगता है, इसलिए हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, और ठंडा पानी डालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। बस फिर ब्लेंडर चला दिया और खूब चलाया, इतना चलाया कि शुगर, स्ट्रॉबेरी, सारी चीज़ें जो है अच्छे से जो है वो हल हो गई। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कुछ गनाज जो है ऑलरेडी पहले रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इससे डेकोरेट करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का और चॉकलेट का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर जाता है। तो जब मिल्क शेक एक ही दफ़ा पिया जाता है दिन में, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें हम थोड़ी सी गनाज ऐड कर दें, और ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा मिल्क शेक का, और पी के अच्छा खासा पेट भी भर जाता है, और हेल्थ वाइज तो आपको पता ही है कि कितना ये हेल्दी है। तो यहाँ मिल्क शेक जो है वो रेडी हो गई थी, और मैंने इसको डाल दिए थे ग्लास में। अब देखें कितना खूबसूरत सा एक लुक आ रहा है। जैसे चाहें आप इसको सर्व करें, जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट करें, और फिर ठंडा ठंडा चिल जो वाला जो है ना आप इसको इन्जॉय करें, और दुआओं में याद रखें। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।